चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोगों का मैराथन क्लास का लास्ट क्लास होना चाहिए लिटरेचर का, ठीक है? तो हम लोगों का ये एक्ट फोर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है? लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि एंटोनियो जो है वो वेनिस के कोर्ट में हाजिर है, शाइलॉक उसके खिलाफ केस लेके आया है, एंड शाइलॉक एंटोनियो को किसी कीमत में भी वो छोड़ नहीं रहा है, ठीक है? ड्यूक मैग्निफिकोस अदर मर्चेंट्स भी आके शाइलॉक को रिक्वेस्ट किए थे कि शाइलॉक तुम उसको छोड़ दो, लेकिन वो एकदम नहीं मान रहा था। तो जैसे बोल रहा था कि शाइलॉक एकदम मान नहीं रहा था कि एंटोनियो को वो छोड़ देगा, ठीक है? वो अपना रीजन भी देता है कि जिस तरीके से एक इंसान बोल नहीं पाता ही कि वाई ही कैन नॉट सी कीपिंग पिग, वाई ही कैन नॉट लव अ कैट, या कोई इंसान जो होते हैं वो लोग बैगपाइप्स क्यों अच्छा नहीं लगता। तो ऑल दीज रीजंस के वजह से कोई, मैंने इन लोगों का कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, ठीक है? तो भी बोलता है कि मैं भी वजह नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली जाके ये बोलता है कि आई हैव अ ग्रज अगेंस्ट एंटोनियो, दैट्स वाई आई एम परस्यूइंग दिस लूजिंग सूट, ठीक है? और फिर वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लेके रहूंगा। बसानियो वहां पे उसको 6,000 डकेट ऑफर करता है, लेकिन शाइलॉक भी बोलता है कि अगर उस 6,000 डकेट का एक एक डकेट भी अगर एक एक डकेट भी अगर 6 पीसेस में हो जाए, और वो 6 हर एक पीस एक एक डकेट भी हो जाए, तो भी मैं वो नहीं लूंगा, तो भी मैं एंटोनियो से 1 पाउंड फ्लैश ही। इतना तक हम लोग लास्ट देखे, ठीक है? उसके बाद ड्यूक बोलता है कि डॉक्टर मैंने एक जन बुलाया है, डॉक्टर बेलेरियो बोल के, ही इज अ लर्नेड डॉक्टर, अगर मैं चाहे तो मैं केस को डिसमिस कर दे सकता, ठीक है? तो तब सोलरिया बोलता है कि बाहर एक मैसेंजर आया है डॉक्टर बेलेरियो से चिट्ठी लिख लेके, ठीक है? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ड्यूक बोलता है, केम यू फ्रॉम पाडुआ? फ्रॉम बेलेरियो, नेरिसा एज अ क्लर्क। फ्रॉम बोथ माई लॉर्ड, बेलेरियो ग्रीट्स योर ग्रेस। तो डॉक्टर बेलेरियो जो है वो पूछता है कि तुम क्या डॉक्टर बेलेरियो से, बेलेरियो के यहाँ से आए हो क्या, फ्रॉम बेलमॉन्ट से आए हो क्या तुम? तो वो बोलती है कि हाँ मैं वहीं से आई हूँ। हैंडिंग हिम अ पेपर विच ही रीड्स असाइड व्हाइल शाइलॉक शार्पन्स हिज नाइफ ऑन द सोल ऑफ हिज शू, ठीक है? तो उसको एक चिट्ठी देती है कि डॉक्टर बेलेरियो का से आपका आपको एक चिट्ठी भेजा है, ठीक है? तो वो उसको चिट्ठी देती है। शाइलॉक जो है तब अपना छुरी को शार्प करता है ऑन द सोल ऑफ हिज शू, याद रखिए जूता का सोल में वो उसको शार्प कर रहा है। बसानियो बोलता है, व्हाई डज दाउ वेट दाई नाइफ सो अर्नेस्टली, शाइलॉक टू कट द फोर फीचर फ्रॉम दैट बैंक्रप्ट देयर, ठीक है? तो बेसानियो बोलता है कि आर यू, इसका स्पेलिंग थोड़ा, ठीक है? तो बोलता है कि अरे तुम अपना नाइफ को इतना अर्नेस्टली क्यों तुम शार्प कर रहे हो? तो शाइलॉक बोलता है कि मैं उस बैंकरप्ट से, वो गरीब से, भिखारी से, ठीक है, मैं फोरफिचर में काट के रखूंगा। ग्रेशियानो बोलता है, नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल हार्श ज्यू Thou makest thy knife keen, but no metal can, no, not the hangman's axe bear half the keenness of thy sharp envy, and no prayers pierce thee. तो बोलता है कि तुम अपने सोल पे नहीं, ये शू का सोल, ठीक है? वो तो शाइलॉक जी, वो तो शू का, यहाँ पे ये याद देखिए, वो तो शू का सोल में वो तो शार्प कर रहा था ना, ठीक है? तो ग्रैशियन बोलता है कि तुम अपने जूते के सोल पे नहीं, बट रादर ऑन योर सोल, तुम अपना ये नाइफ को धार कर रहे हो ऑन योर सोल। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग नाइफ को लेदर के ऊपर घिस के, जूता के ऊपर घिस के शार्प करते हैं, तो वो खराब होते रहता है लेदर, ठीक है? तो सिमिलरली वो बोलता है कि तुम अपने जूते पे नहीं, तुम अपने सोल पे ये कर रहे हो, बेसिकली मीनिंग कि तुम अपना सोल को, आत्मा को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यहां पे ये एक वर्ड पन है, ठीक है? तो बोलता है कि तुम जो ये शार्प कर रहे हो, इतना शार्प किसी लोहा में नहीं हो सकता, नॉट इवन द हैंगमैन्स एक्स कैन हैव द
कीननेस द शार्पनेस ऑफ योर जेलसी ऑफ योर एनवी। ठीक है, वो बोलता है कि कोई रिक्वेस्ट करने से तुम सुनोगे नहीं क्या, कैन नो प्रेयर्स पियर्स दी, जितना भी रिक्वेस्ट किया तुम सुनोगे नहीं क्या। शाइलॉक बोलता है नो नाउ दैट थाउ हैस्ट विट इनफ टू मेक, तो बोलता है कि नहीं तुम्हारे पास उतना बुद्धि नहीं है मेरे को कुछ बोलने का, ठीक है, उतना ज्यादा बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। ग्रैशन बोलता है ओ बी दाउ डैम्ड इनएक्सक्रिएबल डग एंड फॉर दाई लाइफ लेट जस्टिस बी अक्यूज्ड, ऑलमोस्ट मेकेस्ट मी वेवर इन माई फेथ टू होल्ड ओपिनियन विद पाइथागोरस। तो ग्रैशन उसको कर्स करता है, बोलता है कि सत्यानाश हो तेरा यू इनएक्सक्रिएबल डग, देखो फिर से उसको इंसल्ट कर रहा है, उसको गाली दे रहा है, ठीक है, और बोलता है कि बस एक बार, बस इस बार के लिए जस्टिस को, एक सेकेंड, जस्ट एक बार के लिए तुम जस्टिस को उसको भुला के, ठीक है, जस्टिस को कैंसिल आउट करके तुम्हारे लिए इस बार तुमको उल्टा पनिशमेंट दिया जाए, ठीक है, लॉ को कैंसिल आउट करके तुमको पनिशमेंट दिया जाए। तो जैसे कि बोल रहा था ग्रैशियानो जो है उसको कर्ज करता है, उसको इंसल्ट करता है, बोलता है कि तुम सत्यानाश हो, तुम्हारा कर्ज हो जाए तुम पे, ठीक है, जस्ट फॉर वंस, ठीक है, जस्ट लेट जस्टिस बी ब्रोकन, ठीक है, इस ए बस एक बार के लिए तुमको सबक सिखाने के लिए जस्टिस को कैंसिल किया जाए, लॉ को फॉलो नहीं किया जाए, जस्ट तुमको सबक सिखाने के लिए, ठीक है। वो बोलता है कि तुम्हारे वजह से मैं ऑलमोस्ट अपने फेथ में मैं वेवर कर गया, ठीक है, आई ऑलमोस्ट हैव लॉस्ट माई फेथ टू होल्ड ओपिनियन विद पाइथागोरस दैट सोल्स ऑफ एनिमल्स इन्फ्यूज देमसेल्व्स इनटू द ट्रंक्स ऑफ मेन, thy courage spirit governed a wolf who hanged for human slaughter, even from the gallows did his fell soul fleet, and whilst thou layest in thy unhallowed dam infused itself in thee, for thy desires are wolfish bloody starved and ravenous। to bolta hai ki jo pythagoras jo hai, theek hai, pythagoras ne usne bola tha ki souls of animals jo hota hai वो ह्यूमंस के साथ वो अटैच हो जाता है, ठीक है, जब इंसान लोग पैदा होते हैं एनिमल्स जो होते हैं उनका सोल जब मरते, वो लोग जब मरते हैं तो उनका सोल इंसानों के अंदर घुस जाता है। वो बोलता है कि शाइलॉक यू हैव द सोल ऑफ अ वुल्फ, ठीक है, तुम्हारा ये करिश स्पिरिट है इट हैज द सोल ऑफ अ वुल्फ हु वाज हैंग्ड फॉर ह्यूमन स्लॉटर, ठीक है, वो वुल्फ को मार दिया गया था फॉर किलिंग सो मेनी ह्यूमन बींग्स, एंड जब उस वुल्फ को मारा गया था तो उस वुल्फ का सोल जो है, उस वुल्फ का सोल जाके तुम्हारे अंदर जाके घुस गया था व्हेन यू वर इन योर अनहैलोड मदर्स, अनहैलोड डैम, डैम मतलब यहाँ पे मदर, ठीक है, अनहैलोड मदर्स होम, तुम जब उनके अपनी मम्मी के पेट में थे तुम्हारा अंदर वो वुल्फ का स्पिरिट घुस गया था। देखो कितना गंदा गंदा इंसल्ट कर रहा है उसको, ठीक है, तो बोलता है कि इट हैज इन्फ्यूज्ड विद योर स्पिरिट एंड दैट इज वाई Your desires are wolfish, bloody, starved and ravenous. तुम्हारा भी एक वुल्फ के जैसा ही characteristics है। Shylock बोलता है, Till thou canst rail the seal of my bond, thou but offendest thy lungs to speak so loud. तो Shylock बोलता है कि until and unless तुम मेरे ये bond से ये official seal को मिटा नहीं सकते, You are just wasting your words. तुम इतना जोर जोर से बात बोल के तुम अपना सिर्फ वर्ड को वेस्ट कर रहे हो। Repair thy wit, good youth, or it will fall to cureless ruin. I stand here for law. तो शाइलॉक बोलता है कि तुम अपना बुद्धि को ठीक कर लो वरना तुम्हारा फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है, वरना तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, I am here, I want law. The process of law to continue, ठीक है, I stand here for law, मुझे legal justice, ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं मांग रहा। इतना तक सबको क्लियर है? इतना तक सबको क्लियर है? आदित्य, अनीश, दिशा, क्लियर? सम्राट, हर्षित, पार्थ, हाँ सर, प्रियंका, संजना, शिवम, विवान, हाँ सर, व्योम, क्लियर है? चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। ड्यूक वो लेटर को लेता है, पढ़ता है और बोलता है, ड्यूक, दिस लेटर फ्रॉम बेलेरियो डथ कमेंड अ यंग एंड लर्नेड डॉक्टर टू आवर कोर्ट। तो बोलता है कि ये लेटर में एक यंग लर्नेड डॉक्टर को हम लोग के पास रेफर किया गया है, ठीक है, वेरी जी, तो कि वो है कहां पे?
Nerissa, as clerk. He attended here hard by to know your answer, whether you'll admit him. तो नेरिसा जो है वो तो एक क्लर्क के तरह ड्रेस करके है ना, ठीक है, तो वो बोलती है कि वो आ रहे हैं एंड ही इज अवेटिंग कि आप परमिशन देंगे या नहीं, आप उसको यहाँ पे घुसने देंगे या नहीं, तो वो वेट कर रहा है बाहर, ठीक है। ड्यूक बोलता है विथ ऑल माई हार्ट सम थ्री और फोर ऑफ यू गो गिव हिम कोर्टियस कंडक्ट टू दिस प्लेस। तो बोलता है कि हाँ जरूर जरूर, विथ ऑल माई हार्ट, तुम दो तीन जन जाओ जाके उसको यहाँ पे वेलकम करके लेके आओ। Attendants exit. तो वहां से attendant लोग चले जाते हैं। Meantime, the court shall hear Bellerio's letter. He reads. Your grace shall understand that at the receipt of your letter, I'm very sick. But in the instant that your messenger came, in loving visitation was with me, a young doctor of Rome. एक सेकंड रुकिए। हाँ। His name is Balthazar. I acquainted him with the cause in controversy between the Jew and Antonio the merchant. तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, डॉक्टर बेलेरियो जो है वो लेटर में लिखता है कि जब ड्यूक आपसे जब मेरे को वो लेटर मिला, when you wrote to me, I am very sick, मैं बहुत ज्यादा तबियत खराब था और उस वक्त एक मैसेंजर आया, ठीक है, एंड आपका चिट्ठी तब मिला, ठीक है, और उसी वक्त सिमिलरली मेरे घर में एक यंग डॉक्टर ऑफ रोम, ठीक है, वो आया था, डॉक्टर मतलब लिटरली डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मतलब लॉयर, ठीक है, हिज नेम इज बैल्थाजार, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे उसका नाम बैल्थाजार है। बैल्थाजार का नाम ऑल्सो है पोर्शा का सर्वेंट का, ठीक है, और बेलेरियो है पोर्शा का कजन बोला गया है, ठीक है। तो बोलता है कि उसका नाम बैल्थाजार है, मैं उसको एंटोनियो और शाइलॉक के बीच का जो केस जो है उसके बारे में पूरा कॉन्ट्रोवर्सी उसको अच्छे से समझा दिया है। We turned over many books together. He is furnished with my opinion. तो बोलता है कि हम लोग बहुत सारा बुक्स को उल्टा पुल्टा किए हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, स्टडी किए हैं अच्छे से, ठीक है, एंड ही इज फर्निश्ड विथ माई ओपिनियन, ठीक है, उसका क्या मेरा क्या ओपिनियन है नहीं है वो अच्छे से जानता है, केस को कैसे करके आगे लेके जाना है वो अच्छे से जानता है। विच बेटर्ड विथ हिज ओन लर्निंग द ग्रेटनेस वेयर ऑफ आई कैनॉट इनफ कमेंड कम्स विथ हिम at my importunity to fill up your grace's request in my stead. तो बोलता है कि प्लस उसका खुद का भी ओपिनियन है, ठीक है, उसका खुद का लर्निंग, उसका खुद का भी ओपिनियन है, इसलिए उसको आप मेरे जगह में, इन my stead, मेरे जगह में you allow him to fight this case, ठीक है। वो उसको तारीफ करता है, बोलता है कि उसका लर्निंग, उसका नॉलेज, उसका ग्रेटनेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, I cannot recommend him enough, ठीक है, आप उसको अलाउ कीजिए मेरे जगह में केस को लड़ने के लिए। आई बीसीच यू लेट हिज लैक ऑफ इयर्स बी नो इम्पेडिमेंट टू लेट हिम लैक अ रेवरेंट एस्टिमेशन फॉर आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विथ सो ओल्ड अ हेड। आई लीव हिम टू योर ग्रेशियस एक्सेप्टेंस हुज ट्रायल शैल बेटर पब्लिश हिज कमेंडेशन। तो बोलता है कि वो देख के तो यंग है, ठीक है, ही इज यंग, बट ऐसे मत सोचिएगा कि वो यंग है, उसका वो इनएक्सपीरियंस्ड है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। मैं ऐसा इंसान जो इतना यंग है और उसके अंदर इतना ज्यादा बुद्धि, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मैंने आज तक मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। वो खुद ट्रायल में अपने आप को प्रूव करेगा, मुझे और प्रूफ बोलने का कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही जो है वो अपने आप को प्रूव करेगा कि वो कितना ही ज्यादा काबिल है। Duke बोलता है, you heard the learned Bellerio what he writes. Enter Portia as for Balthazar. ठीक है, disguised as a doctor of laws with attendants. ठीक है, तो Portia वहाँ पे आती है as Balthazar. ठीक है, वो भी lawyer के हिसाब से वो dress बदल के आई है. And here I take it is the doctor come. तो Duke बोलता है कि तो शायद यही doctor आए हैं यहाँ पे. Give me your hand, come you from old Bellerio, Portia as Balthazar. I did my lord. ठीक है, तो आता है तो उसको ड्यूक हैंडशेक करके उसको वेलकम करता है। तो पूछता है कि तुम बेलेरियो से आए हो क्या, बेलेरियो के वहां से, तो कि हाँ मैं उसी उन्हीं ने मेरे को यहाँ पे भेजा है। ड्यूक बोलता है, यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस, आर यू acquainted with the difference that hold this present question in the court, Portia as Balthazar. I am informed thoroughly of the cause.
विच इज द मर्चेंट हियर एंड विच द ज्यू। तो पोर्शिया बोलती है कि सॉरी ड्यू बोलता है कि यू आर वेलकम, तुम अपना जगह ले लो, ठीक है, तुमको तो पता है ना कि इन लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या केस चल रहा है नहीं चल रहा है। तो पोर्शिया बोलती है कि हाँ मैं अच्छे से आई एम वेल इन्फॉर्म, ठीक है, और बोलती है कि मर्चेंट कौन है और ये ज्यू कौन है यहाँ पे। ड्यू बोलता है एंटोनिया नोल शाइलॉक बोथ स्टैनफोर्ड, तो बोलता है कि तुम लोग दोनों सामने आ जाओ। पोर्शिया इज बाल्थाज़ार, इज योर नेम शाइलॉक, शाइलॉक कंफर्म करता है, शाइलॉक इज माय नेम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बेसिक्स हो जाता है। पोर्शिया बोलती है ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज द सूट यू फॉलो, येट इन सच रूल दैट द वेनिशियन लॉ कैनॉट इम्पंग यू एज यू डू प्रोसीड टू एंटोनियो, यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट। तो पोर्शिया जो बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रेंज सूट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तुम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज केस के पीछे तुम भाग रहे हो, ठीक है, ये एक ऐसा केस है, ठीक है, अल्टीमेटली द लॉज ऑफ वेनिस कैन नॉट इम्पंग यू, ठीक है, तुम लॉज ऑफ वेनिस तुम जो मांग रहे हो, वेनिस का लॉज जो है तुमको इसको डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, वो प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो एंटोनियो से पूछती है कि एंटोनियो को देख के बोलती है कि यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट, बोलती है कि तुम तो खतरे में हो, यू आर एट रिस्क, तुमने तो बॉन्ड तो तोड़ दिया। तो एंटोनियो बोलता है आई सो ही सेज, तो बोलता है कि हाँ वो तो बोलता है ऐसा, वो क्लेम तो कर ही रहा है। पोर्शिया बोलती है यू कन्फेस द बॉन्ड एंटोनियो आई डू, तो पोर्शिया जो डायरेक्ट पूछती है कि तुम क्या एक्सेप्ट करते हो कि एक्सक्यूज मी तुम क्या एक्सेप्ट करते हो कि तुमने बॉन्ड को पे करना करने में फेल किया। एंटोनियो बोलते हैं कि यस आई डू, वो एकदम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता है। पोर्शिया बोलती है देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, तो पोर्शिया बोलती है कि तो शाइलॉक को थोड़ा सा रहम दिखाना चाहिए, ठीक है, ही मस्ट बी अ बिट मर्सीफुल। शाइलॉक बोलता है ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई टेल मी दैट, तो शाइलॉक बोलता है कि क्या कंपल्शन में मेरा क्या सोच के क्या लॉजिक से मुझे उसको मर्सी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक टेल मी दैट। पोर्शिया बोलती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। तो वो ये वाला बहुत एक इंपॉर्टेंट स्पीच होता है, ठीक है, इसे मर्सी स्पीच बोलते हैं हम लोग। पोर्शिया बोलती है कि मर्सी जो है वो अपने आप से गिरता है, इट इज नॉट स्ट्रेंड, उसको निचोड़ के नहीं गिराया जाता, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, वो अपने आप से गिरता है। जैसे कंपेयर करती है जैसे आसमान से बारिश अपने आप से गिरता है, सिमिलरली मर्सी जो है वो भी अपने आप से ही वो गिरता है, कोई उस किसी को उसको फोर्स करने का निकालने का उसको जरूरत नहीं होता है। वो बोलता है कि इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट इज डबली ब्लेस्ड, कैसे, it is it blesseth him that gives and him that takes, to bolta hai ki jo insaan blessing mercy dikhata hai usko bhi blessing milta hai aur jis insaan ko mercy dikhaya jata hai usko bhi blessing milta hai, theek hai, this mightiest in the mightiest, bolta hai ki it is the most powerful thing there is on this earth, it becomes a throned monarch better than his crown, to bolti hai ki ek raja ka पहचान होता है उसका क्राउन, बट इट इफ अ किंग हैज मर्सी इन हिम तो उसको और ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाता है। मर्सी सूट्स अ किंग मोर देन हिज क्राउन, ठीक है, बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते समझ सकते हैं कि एक्चुअली राजा कौन है। सिर्फ मुकुट पहनने से वो राजा नहीं होगा, जिस इंसान के अंदर वो मर्सी भी है वो इंसान असली राजा होता है। His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. तो वो बोलती है कि राजा के पास जो है वो scepter of power तो रहता है, वो उस दिखाता है कि he is the legal king, उसका बात को मानना चाहिए, he has the divine right to rule, ठीक है, और इसी को देख के all the people attribute to awe and majesty, सब लोग उसको worship करते हैं, सब लोग उसको देख के उनका ताकत को देख के awe हो जाते हैं, ठीक है, and सबके अंदर एक डर रहता है, fear of king, याद रखिएगा, सिर्फ scepter जो है, it is not only the
सिंबल ऑफ पावर ऑफ द किंग, ठीक है, वो सेप्टर, वो क्राउन जो है उसी से दिखता नहीं है कि किंग जो है वो पावरफुल कितना है या उसके अंदर कितना पावर है, ठीक है। रैदर ये सेप्टर या क्राउन के वजह से लोग राजा से डरते हैं, ठीक है। तो फियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर, ठीक है। बट मर्सी इज अबव दिस सेप्टर स्वे, तो वो बोलती है कि बट मर्सी जो है इट इज अबव द सेप्टर स्वे, ठीक है। लोग राजा का बात मानते क्योंकि उसके पास वो क्राउन है, सेप्टर है, लेकिन मर्सी जो है उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इतना तक क्लियर आया सबको? प्रियंका, संजना, हर्षित क्लियर है? दिशा, हाँ शिवम, सर, पार्थ, हाँ अनीश क्लियर है? व्योम, सर, आदित्य, हाँ सर, विवान, सम्राट। हाँ सर, तो पोर्शिया जो है वो बोलती है कि मर्सी जो है इट सूट्स द किंग बेटर, क्योंकि मर्सी से लोग राजा की तरफ और अट्रैक्टेड होते हैं, उनको और रिस्पेक्ट करते हैं। नॉर्मली लोग जो है राजा से डरते हैं। इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ द किंग्स, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। तो बोलता है कि मर्सी जो है हर राजा के दिल में वो बैठा रहता है, ठीक है। इट इज एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, जिसके अंदर मर्सी रहता है वो ऑलमोस्ट भगवान ही बन जाता है, भगवान के जैसा ही बन जाता है। एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजंस जस्टिस, देयरफॉर ड्यू दो जस्टिस बी दाई प्ली कंसिडर दिस दैट इन द कोर्स ऑफ जस्टिस नन ऑफ अस शुड सी सेल्वेशन। तो बोलती है कि कोई इंसान अगर मर्सी दिखाता है, ठीक है, तो वो भगवान के जैसा बन जाता है। एंड सिमिलरली व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब जस्टिस में भी मर्सी होता है ना, तो वो 100% वो भगवान ही तो हम लोग को जस्टिस देता है ना, भगवान की तो हम लोग को मर्सी दिखाता है, ठीक है। तो देयरफॉर वो बोलती है कि कंसिडर दिस कि तुमको अगर जस्टिस चाहिए, हम लोगों को कोई किसी को सेल्वेशन नहीं मिलेगा। वी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम आवर सिनफुल लाइव्स, वी डू प्रे फॉर मर्सी एंड दैट सेम प्रेयर डथ टीच अस ऑल टू रेंडर द डीड्स ऑफ मर्सी। तो बोलती है कि वी ऑल प्रे फॉर मर्सी, हम लोग अपने प्रेयर्स में भी मर्सी के लिए प्रे करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग प्रेयर में मर्सी के लिए मांगते हैं, ठीक है, इट टीचेस अस कि हम लोग भी दूसरे को भी मर्सीफुल बन जाए, दूसरों के लिए, दूसरों की तरफ मर्सीफुल बन जाए। वी शुड शो ईच अदर मर्सी। आई हैव स्पोक दस मच टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ दाई प्ली, विच इफ द फॉलो द स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट देयर। तो बोलती है कि देखो, मैंने मेरे को इतना बोलना था, मैंने बोल दिया, ठीक है। अगर तुम अभी भी बोलते हो कि तुमको जस्टिस चाहिए, तो ये कोर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस जो है, ये तुमको इट विल बी फोर्स टू गिव यू द मर्सी दैट यू सीक। लेकिन मैं तुमको रिक्वेस्ट करती हूँ शाइलो कि तुम एक बार रिकंसिडर करो, ठीक है। देखो, पोर्शे उसको बार बार मर्सी दिखाने के लिए उसको मौका दे रही है कि शाइलो तुम चेंज हो जाओ, शाइलो तुम थोड़ा सा मर्सी दिखा लो, ठीक है। मर्सी के लिए इतना वो तो समझाने का कोशिश करती है, लेकिन वो बोलती है कि बट इफ यू स्टिल इंसिस्ट कि तुमको जस्टिस चाहिए, तो ये स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस जो है ये मर्सी देने में वो कंपेल्ड होगा, तुमको मर्सी मिलेगी। शाइलॉक बोलता है, माई डीड्स अपॉन माई हेड आई क्रेव द लॉ, द पेनल्टी एंड द फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड। तो बोलता है कि मैं जो करूंगा उसका मैं भोगूंगा, ठीक है, वट एवर आई डू उसका रिजल्ट मैं ही भोगूंगा, ठीक है। आई क्रेव द लॉ, मुझे पेनल्टी चाहिए एंड द फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड चाहिए। पोर्शिया बोलती है, इज ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी। तो पोर्शिया बोलती है कि क्या एंटोनियो पैसा नहीं दे पा रहा है क्या? पैसा नहीं, बोलता है, हियर इज, हियर, यस, हियर इट, सॉरी, यस, हियर आई टेंडर इट इन फ्रंट ऑफ हिम इन द कोर्ट, ये ट्वाइस द सम। इफ दैट विल नॉट सफाइस, आई विल बी बाउंड टू पे 10 times ओवर ऑन फॉरफिचर ऑफ माई हैंड्स, माई हेड, माई हार्ट। तो वैसे नहीं बोलता कि ये लो, मैं सबके सामने में फोरफिचर भी दे, फोरफिचर जो है, सॉरी, जो बॉन्ड का जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मैं वो कोर्ट पे सबके सामने, तो मैं उसका ट्वाइस द सम में देता हूं,
है, और उस इफ दैट विल नॉट सफाइस, मैं अपना हाथ पांव हार्ट सब कुछ मैं देने के लिए राजी हूं, इफ दिस विल नॉट सफाइस इट मस्ट अपियर दैट मैलिस बियर्स डाउन द ट्रूथ। ठीक है, तो बोलता है कि अगर ये भी काफी नहीं है तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि इस ट्रूथ के पीछे कुछ ना कुछ मैलिस है, कुछ ना कुछ शैतानी बुद्धि है। टू द ड्यूक एंड आई बिसीच यू रेस्ट वंस द लॉ टू योर अथॉरिटी to do a great right, do a little wrong and curb this cruel devil of his will. तो फिर वो ड्यूक की तरफ घूम के बोलता है कि I request you कि बस एक बार के लिए, ठीक है, बस एक बार के लिए आप कुछ सही करने के लिए you rest your authority, you rest, you do a little wrong, थोड़ा सा गलत करने में क्या ही जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कर ही सकते हैं to curb this devil of his will, ये शैतान को रोकने के लिए हम लोग आप थोड़ा सा तो इतना कर ही सकते हैं, ठीक है, लॉ को तो चेंज कर ही सकते हैं। पोर्शिया बोलती है इट मस्ट नॉट बी, देयर इज नो पावर इन वेनिस कैन ऑल्टर अ डिक्री एस्टैब्लिश्ड, इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट एंड मेनी एन एरर बाय द सेम एग्जांपल विल रश इनटू स्टेट, इट कैन नॉट बी। तो पोर्शिया इमीडिएटली बोलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, वेनिस में ऐसा कोई पावर नहीं, किसी के पास इतना पावर नहीं है कि वो एक एस्टैब्लिश्ड डिक्री को, एस्टैब्लिश्ड लॉ को वो चेंज कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है, अगर ऐसा किया जाए इट विल बी रिकॉर्डेड एज फॉर अ प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कोर्ट में अगर केस लड़ा जाता है तो वो केस का पूरा डिटेल्स लिख लिया जाता है कि क्या पेश हुआ है, क्या लॉजिक यूज हुआ है, क्या एविडेंस है, सब कुछ लिख लिया जाता है, एंड इसी केस को यूज करके फ्यूचर में अगर कोई सिमिलर केसेस होगा तो इसी केस के बेसिस पे उस केस को भी फ्यूचर में लड़ा जाएगा, एंड बहुत जन जो है ये सेम प्रेसिडेंट को यूज करके अपने आप को बचा ले सकता है, तो इसलिए दैट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। शाइलॉक बोलता है डैनियल कम टू जजमेंट, ये डैनियल ओ वाइज यंग जज हाउ आई ऑनर डू ऑनर दी। ठीक है, तो शाइलॉक तो ये सुनकर तो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि अरे ये तो डैनियल है, डैनियल है, डैनियल इज अ सेंट ऑफ द ज्यूज। ठीक है, तो बोलता है कि ये तो डैनियल है, डैनियल है, ठीक है, वाइज यंग जज तुम कितने ज्यादा बुद्धिमान हो, आई ऑनर यू। ठीक है, शायद तो बहुत खुश है क्योंकि तो जानता है कि एंटोनियो फंस रहा है इससे इससे करके। पोर्शिया बोलती है आई प्रे यू लुक, लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड, हियर इट इज मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर, हियर इट इज। पोर्शिया बोलती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बॉन्ड को एक बार देखने दो, तो शायद बोलता है कि ये लीजिए, ये लीजिए। हैंडिंग पोर्शिया पेपर, तो उसको बॉन्ड दिखाता है। पोर्शिया बोलती है शाइलॉक देयर इज थ्राइस दाई मनी ऑफर दी, तो शाइलॉक उसको बोलती है शाइलॉक तुमको तीन गुना ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, बैसानियो छह गुना ऑफर किया था, पोर्शिया उसको बोली कि छह गुना ले लो, वो नहीं लिया। पोर्शिया उसको बोली कि तुमको यहाँ पे तीन गुना दिया जा रहा है, तुम ले लो। शाइलॉक बोलता है एन ओथ आई हैव एन ओथ इन हेवन, Shall I lay perjury upon my soul? तो शाइलॉक बोलता है कि मैं एक ओथ लिया हूँ, I've taken a religious oath, ठीक है, मैं क्या अपना सोल को हेल में जाने दू, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नो नॉट फॉर वेनिस। तो बोलूंगा कि नहीं, मैं वेनिस के लिए तो ऐसा नहीं करूंगा, अपने देश के लिए होता तो भी शायद कर लेता, लेकिन नॉट फॉर वेनिस, इन द सेंस उसके लिए वेनिस जो है नॉट क्या बोले नॉट वर्थ इट। ठीक है, वो वेनिस को उतना इज्जत नहीं देता है, लगाव नहीं रहता है उसके साथ। पोर्शिया बोलती है why this bond is forfeit and lawfully by this the Jew may claim a pound of flesh to be by him cut off near the merchant's heart। तो पोर्शिया बोलती है कि ये बॉन्ड तो forfeit है, ये बॉन्ड तो एंटोनियो हार चुका है, एंड Jew जो है lawfully according to the bond इसमें लिखा हुआ है the Jew may claim a pound of flesh to be by him cut near the merchant's heart। वो बॉन्ड का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पढ़ रही है। Be merciful, take thrice thy money, bid me tear the bond। तो पोर्शिया जो है वो शाइलॉक को बोलती है कि शाइलॉक तीन गुना ले लो और बोलो कि ये बॉन्ड को फाड़ देने के लिए, यू डू दिस। शाइलॉक बोलता है when it is paid according to the tenor it doth appear you are a worthy judge। तो शाइलॉक बोलता है कि हाँ तुम फाड़ दे सकते हो, यू कैन टियर द बॉन्ड, बट आफ्टर इट हैज बीन पेड, आफ्टर
मैं एंटोनियो से 1 पाउंड फ्लैश जब ले लूंगा तब तुम उस पाउंड को तुम फाड़ देना, कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बोलता है कि तुमको देख के तो लगता है कि यू आर अ वर्दी ऑनरेबल जज, यू नो द लॉ, योर एक्सपोजिशन हैज बीन मोस्ट साउंड, आई चार्ज यू बाय लॉ वेयर ऑफ यू आर अ वेल डिजर्विंग पिलर। तो बोलता है कि तुम्हारा जो एक्सपोजिशन है, तुमने जिस तरीके से ये केस को देखा है, समझा है, फाइट किया है, वो तो तुम सही बोल रहे हो। ठीक है, आई चार्ज यू बाय द लॉ, तुम तो इस लॉ का, लीगल सिस्टम का एक वेल डिजर्विंग पिलर हो, आई चार्ज यू अकॉर्डिंग टू द लॉ, तुम जस्टिस दो मेरे को, प्रोसीड टू जजमेंट। बोलता है कि मेरे को अपना जजमेंट दो। बाय माई सोल आई स्वेयर देर इज नो पावर इन द टंग ऑफ मैन टू ऑल्टर मी, आई स्टे हियर ऑन माई बॉन्ड। तो बोलता है कि आई स्वेयर बाय माई सोल कि ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो मेरे को अपने इस कोर्स से ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, जो मेरे को अपने इस डिसीशन से मेरे को वो बदल सकता है। वो बोलता है कि आई स्टे हियर ऑन माई बॉन्ड, मुझे अपना बॉन्ड चाहिए। एंटोनियो बोलता है मोस्ट हार्टिली आई डू बिसीच द कोर्ट टू गिव द जजमेंट। तो एंटोनियो बोलता है कि आई रिक्वेस्ट कि जजमेंट दे दिया जाए। पोर्शिया बैल्थसर Why then, thus it is, you must prepare your bosom for his knife. Shylock, oh noble judge, oh excellent young man. So Portia declare करती है कि Antonio get ready. ठीक है, तुम्हारा एक pound flesh काटा जाएगा near your heart. Shylock तो फिर से oh noble judge, oh excellent young man. Portia बोलती है for the intent and purpose of the law have full relation to the penalty which here appears due upon the bond. तो बोलता है कि जो पेनल्टी जो है ये बॉन्ड में तो लिखा हुआ है, फॉर इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द लॉ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो शाइलॉक 1 पाउंड फ्लैश ले सकता है, इट इज ड्यू अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड। शाइलॉक बोलता है इज वेरी ट्रू, ओ वाइज एंड अपराइट जज, हाउ मच मोर एल्डर आर्ट दाउ देन थाई लुक्स। तो शाइलॉक बोलता है कि यस इट इज ट्रू, ठीक है, ओ अपराइट जज, यंग जज, ऑनरेबल जज, कितने ज्यादा बुद्धिमान, ऐसे करके बार बार उसको प्रेज करता है। इतना तक क्लियर है सबको? सम्राट, सम्राट क्लियर, हर्षित, संजना क्लियर, आदित्य, व्योम, अनीश, पार्थ, शिवम, दिशा, प्रियंका, क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा चलिए कंटिन्यू करते। पोर्शिया बोलती है एज बाल्थाजार टू एंटोनियो, देयरफॉर ले बेयर योर बॉसम। तो पोर्शे बोलती है कि तुम अपना कपड़ा खोलो एंड एक्सपोज योर चेस्ट टू एवरीवन। ठीक है, सब लोग को दिखाओ, तुमसे अभी 1 पाउंड फ्लैश काटा जाएगा, गेट रेडी। शाइलॉक बोलता है आई हिज ब्रेस्ट शो सेज द बॉन्ड डथ इट नॉट नोबल जज। तो शाइलॉक भी अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा है, ठीक है, हाँ उसका छाती से बॉन्ड में तो यही लिखा है ना नोबल जज, ठीक है, कि नियरेस्ट द हार्ट, नियरेस्ट हिज हार्ट, दोज आर द वेरी वर्ड्स। बोलता है कि हाँ यही तो, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड व्हिच हैव बीन मेंशनड कि एंटोनियो के हार्ट के नजदीकी से उसको फ्लैश काटा जाएगा। पोर्शिया बोलती है इट इज सो, आर देयर बैलेंस हियर टू वे द फ्लैश। तो पोर्शिया बोलती है कि हाँ यही तो लिखा हुआ है। तो बोलती है कि बैलेंस है क्या जिससे फ्लैश को मेजर किया जा सकता है, वे किया जा सकता है। शाइलॉक बोलता है आई हैव देम रेडी। तो शाइलॉक अभी भी बोलता है कि हाँ मेरे पास वे भी है, देखो वो चाकू लेके आया है, वो वेइंग स्केल्स लेके आया है, जस्ट वो शाइलॉक को, सॉरी एंटोनियो से फ्लैश काटने के लिए पूरा बंदोबस्त करके आया है, जानता है कि एंटोनियो बचेगा नहीं। एक सेकंड प्लीज। पोर्शे बोलती है हैव बाय सम सर्जन शाइलॉक ऑन योर चार्ज टू स्टॉप हिज वूंड्स लेस्ट ही डू ब्लीड टू डेथ। तो पोर्शे बोलती है कि शाइलॉक कम से कम एक डॉक्टर को तो रहने दो, ठीक है, सो एज टू प्रिवेंट एंटोनियो फ्रॉम ब्लीडिंग आउट, टू स्टॉप हिज वूंड्स। शाइलॉक बोलता है इज इट सो नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड। तो शाइलॉक बोलता है कि ये क्या बॉन्ड में लिखा हुआ है क्या? पोर्शिया बोलती है इट इज नॉट सो एक्सप्रेस बट वॉट ऑफ दैट, फॉर गुड यू डू सो मच फॉर चैरिटी। बोलता है कि पोर्शिया बोलती है कि ये तो नहीं, ये तो बॉन्ड में तो लिखा हुआ नहीं है, तुम तो इतना तो कर ही सकते, यू कैन डू दिस मच फॉर चैरिटी, इतना तो कर ही सकते हो तुम। शाइलॉक बोलता है आई कैन नॉट फाइंड इट, इट्स नॉट इन द बॉन्ड। तो देखो शायद बोलते कि नहीं, 20 मिनट ये तो बॉन्ड में तो लिखा हुआ नहीं है, मेरे को तो मिल नहीं रहा है, इट्स नॉट इन द बॉन्ड, आई विल नॉट अलाउ इट।
पोर्शिया बोलती है, यू मर्चेंट हैव यू एनीथिंग टू से। तो पोर्शिया एंटोनियो को घूम एंटोनियो की तरफ घूम के बोलती है कि तुमको क्या कुछ बोलना है क्या। एंटोनियो बोलता है बट लिटिल आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, गिव मी योर हैंड बसानी पे यू वेल। तो एंटोनियो बोलता है कि नहीं मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ठीक है आई एम रेडी, ठीक है शैलॉक को एक पाउंड फ्लैश चाहिए, आई एम रेडी टू गिव इट। तो बोलता है कि फेयरवेल बसानियो गुड बाय, ठीक है ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू। तो बोलता है कि तुम सैड मत फील करो कि इस चीज के वजह से मैं मर रहा हूं, तुम्हारा उधार को चुकाते चुकाते मैं मर रहा हूं, इसके लिए तुम खराब फील मत करो। फॉर हियर इन फॉर्चून शोज हरसेल्फ मोर काइंड देन इज हर कस्टम, ठीक है। तो बोलता है एंटोनियो कि फॉर्चून जो है, लेडी लक फॉर्चून जो है, ठीक है ही इज बिहेविंग मोर काइंडली देन हर कस्टम, उसका जो नॉर्मली उसका बिहेव करने का जो तरीका है उसे ज्यादा काइंड वो बिहेव करिए। कैसे करके, क्योंकि इट इज स्टिल हर यूज टू लेट द रेचेड मैन आउटलिव हिज वेल्थ। नॉर्मली क्या होता है वो एंटोनियो बोलता है कि एक गरीब इंसान जो है, एक गरीब इंसान नहीं, एक इंसान ऑलवेज वो उसका पैसा पहले खत्म होता है और वो अपना जिंदगी बुढ़ापे में गरीबी में ही बिताता है, ठीक है। टू व्यू विथ हॉलो आईज एंड रिंकल ब्राउ एंड एज ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम विच लिंगरिंग पेनेंस ऑफ सच मिजरी डज शी कट मी ऑफ। तो बोलता है कि ये तो अच्छा ही हुआ कि मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम पुअर, मुझे अपना ओल्ड एज जो है वो गरीबी में नहीं बिताना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्चून जो है मेरे को यहाँ पे एक्चुअली बचा रहे, शी इज बीइंग, शी इज बीइंग वेरी जेनरस टूवर्ड्स मी, ठीक है, बिकॉज जो ओल्ड एज में पॉवर्टी वाला दिन जो देखना पड़ता मेरे को, अदरवाइज वो मुझे देखना नहीं पड़ेगा। Commend me to your honorable wife. Tell her the process of Antonio's end. Say how I loved you. Speak me fair in death. And when the tale is told, bid her be judge whether Bassanio had not once a love. तो बोलता है कि तुम मेरे को अपने बीवी को अब मेरे बारे में बोलना, you tell me, you commend me to your honorable wife, ठीक है, और उसको बोलना कि किस तरीके से एंटोनियो मरा, ठीक है। स्पीक मी फेयर इन डेथ, मेरे बारे में, मेरे मरने के बाद मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलना, ठीक है। एंड जब मैं मर जाऊंगा तो तब उससे पूछना, अपने बीवी को जज करने के लिए बोलना कि क्या सिर्फ वही एकमात्र थी जो बैसानियों को प्यार किया है, या उसका दूसरा भी कोई था जो बैसानियों को इज्जत से प्यार किया है, अच्छे से प्यार किया। रिपेंट यू, रिपेंट बट यू दैट यू शैल लूज योर फ्रेंड and he repents not that he pays your debt. तो बोलता है कि तुम ये repent करना, तुमको ये खराब लगना चाहिए कि तुम एक दोस्त को खो रहे, you will be losing your friend, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई sadness नहीं है कि मैं अपना जान दे के तुम्हारा उधार चुकता कर रहा हूँ। For if the Jew do cut but deep enough, I'll pay it instantly with all my heart. तो बोलता है कि अगर शाइलॉक जो है अगर डीपली काटे, इफ ही कट्स डीप इनफ, मैं इंस्टेंटली अपना पूरा जान देके मैं, तो मेरा दिल देके मैं तुम्हारा उधार मैं चुकता कर दूंगा। देखो एंटोनियो अभी भी पैसानियो को इतना प्यार करता है, इतना इज्जत करता है, ठीक है, उसका ट्रू फ्रेंड है, वो अभी भी उसको खराब नहीं लग रहा है कि वो मरने वाला है, रादर वो बोल रहा है कि मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, ठीक है, तुम्हारा उधार चुकाने के लिए मैं खुशी खुशी में मर जाऊंगा, मुझे इसमें कोई दुख नहीं हो। Bassanio बोलता है, Antonio, I'm married to a wife, which is as dear to me as life itself. But life itself, my wife, and all the world are not with me esteemed above thy life. I would lose all, I sacrifice them all, here to this devil to deliver you. Bassanio बोलता है कि Antonio, मैं मेरी एक बीवी है, who is very dear to me, मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है, but मेरा जिंदगी, मेरी वाइफ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ठीक है, आई वुड, मैं अपनी बीवी को भी मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा जस्ट टू डिलीवर यू, तुमको मैं बचाने के लिए मैं अपनी बीवी, मेरा अपना जिंदगी सब कुछ मैं दे दूंगा, ठीक है, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। तो बैसानियो भी यहाँ पे थोड़ा इमोशनल बन रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसका दोस्त मरने वाला है, वो भी गिल्टी फील कर रहा है कि मेरे वजह से एंटोनियो मर रहा है, वो बोलता है कि मैं अपनी बीवी तक को मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा तुमको बचाने के लिए। पोर्शिया तो वहां पे सुन रही है, ऑब्वियसली उसको तो खराब लग रहा है,
Your wife would give you little thanks for that if she were to hear you make that offer. तो पोर्शिया बोलती है कि तुम्हारी बीवी अगर ये सुनती ना तो एकदम खुश नहीं रहती। ऑब्वियस सा बात है कि पोर्शिया तो वहां पे खड़ी होकर सुन रही है, ठीक है। वो साइड में ये बोल रही है कि अरे तुम्हारी बीवी सुनती ना तो ये तुमको दिखा देती, ठीक है। ग्रेशियानो बोलता है, आई हैव अ वाइफ हु आई प्रोटेस्ट आई लव, आई वुड शी वर इन हेवन सो शी कुड एंट्रीट सम पावर टू चेंज दिस कारिश्यू। तो ग्रेशियानो भी बोलता है कि मेरी भी बीवी है, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आई विश कि शी वर इन हेवन, ताकि वो हेवन में जाके गॉड को मना सके, सो दैट भगवान कुछ करे टू चेंज दिस करिश जू, इस जू को बदलने के लिए मैं अपनी बीवी को हेवन में भी भेज दे सकता हूं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ग्रेशियानो क्या है, ग्रेशियानो को यहाँ पे बोलने का तो कोई तो जरूरत तो नहीं था ना, लेकिन ग्रेशियानो क्या है कि मेरा मास्टर ऐसे बोला है मैं भी ऐसे बोलूंगा, ठीक है। उसका बिहेवियर ही वैसा है कि जो एंटोन बेसानियो करेगा मैं भी वैसा ही करूंगा। नेरिथा बोलती है, दिस वेल यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक द विश वुड मेक एल्स एन अनक्वाइट हाउस। तो नेरिथा भी मनी बोलती है कि अच्छा है कि तुम अपने बीवी के पीठ के पीछे ऐसे करके बोल रहे हो, वरना घर में तो शांति तो नहीं होती, अशांति से भर जाती पूरा। शैलव बोलता है, दीज बी द क्रिश्चियन हस्बैंड्स आई हैव अ डॉटर, वुड एनी ऑफ द स्टॉक ऑफ बाराबस हैड बीन हर हस्बैंड रादर देन अ क्रिश्चियन। तो शायला बोलता है कि ये देखो ये है क्रिश्चियन हस्बैंड, ये इंसान लोग क्रिश्चियन हस्बैंड है, ये लोग अपनी बीवी को बेच देने का सोच रहे हैं, सेक्रीफाइस कर देने का सोच रहे हैं। मेरी भी एक बेटी है एंड शी हैज अ क्रिश्चियन हस्बैंड, आई विश कि वो बाराबस का किसी के जात के साथ भी शादी कर लेती, बस एक क्रिश्चियन के साथ नहीं शादी करती। देखो शायलॉग गलत नहीं है, जब शायलॉग देख रहा है कि ये क्रिश्चियंस लोग अपनी बीवियों को तक सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, तो वो सोचता है कि मैंने मेरी बेटी भी तो एक क्रिश्चियन के साथ ही तो भागी है शादी करके, ठीक है, तो मेरी बेटी का क्या होगा। देखो शायलॉग यहाँ पे एक केयरिंग फादर के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। हाँ हम लोगों को पूरा ड्रामा पढ़ के लगता है कि शायलॉग एक विलेन है, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग अच्छा अच्छा सोच जरूर सकते हैं। वो बहुत स्मार्ट है, बहुत वाइज है, कनिंग है, ठीक है, वो एक लविंग फादर भी है, लेकिन उसका नेगेटिव जो है वो ग्रीडी है, जेलस है, ठीक है, ये सब चीज के वजह से शाइलॉक एक विलेन बन जाता है। लेकिन शाइलॉक पूरा पूरी एक विलेन नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते, पहले भी डिस्कस किए हैं, शाइलॉक इज बोथ अ विलेन विलेन एज वेल एज अ विक्टिम, ठीक है, याद रखिएगा इसको प्लीज। तो बोलता है कि वी ट्राइफल टाइम, हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आई प्रे दी पर्स्यू सेंटेंस, कि मुझे जस्टिस दो, मुझे जजमेंट सुनाओ, ठीक है। इतना तक क्लियर है सबको? सम्राट क्लियर, संजना, प्रियंका, अनीश, व्योम, दिशा, शिवम, पार्थ, आदित्य, विवान, हर्षित, सबका क्लियर है? हाँ अच्छा, समझ सर में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। तो देखिए, तो शाइलॉक लास्ट में ये बोल देता है कि नहीं, मुझे सेंटेंस ही चाहिए, आई परस्यू, आई एम परस्यूइंग जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस, सेंटेंस सुनाओ। पोर्शा तब सेंटेंस सुनाती है, अ पाउंड ऑफ दैट सेम मर्चेंट्स फ्लैश इज दाइन, द कोर्ट अवार्ड्स इट एंड द लॉर्ड डथ गिव इट। बोलता है कि 1 पाउंड फ्लैश जो है तुमको अवार्ड किया जाता है, द लॉ अलाउज, द कोर्ट अवार्ड्स इट एंड द लॉ अलाउज इट, ठीक है। शाइलॉक बोलता है, मोस्ट राइटफुल जज, जो तो खुश रहता है कि अरे तुम तो एकदम सही बात बोल रहे हो। पोर्शिया, एंड यू मस्ट कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। बोलती है कि तुम फ्लैश जो है इसके चेस्ट से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लॉ अलाउ करता है, कोर्ट देता है तुमको। शाइलॉक बोलता है, मोस्ट लर्नेड जज, अ सेंटेंस कम प्रिपेयर। तो शाइलॉक तो बहुत खुश है, बोलता है कि चलो फाइनली एक सेंटेंस तुम मिल गया, बोलता है कि गेट रेडी एंटोनियो, ठीक है। पोर्शिया बोलती है तब, ठीक है, शाइलॉक तो मांस काटने के लिए जाते हैं, जाता है वो। टैरी अ लिटिल, देयर इज समथिंग एल्स, दिस बॉन्ड डथ गिव दी नॉट हियर नो जॉट ऑफ ब्लड। तो पोर्शिया जो है उसको रोक लेती है, बोलती है कि थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड जो है तुमको 1 पाउंड फ्लैश तो जरूर देता है, उसमें कोई दुराई दोहराई तो नहीं है, लेकिन इट डज नॉट गिव यू अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड तुमको वो नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। द वर्ड्स एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश, टेक देन दाई बॉन्ड, टेक
take thou thy pound of flesh by cutting it. If thou dost shed one drop of Christian blood, thy lands and goods are by laws of Venice confiscated. तो बोलती है कि तुम लो, लेकिन याद रखो यहां पे तो बॉन्ड ने तो लिखा है कि अ पाउंड ऑफ फ्लैश ओनली, तुम एक पाउंड फ्लैश लो, लेकिन अगर तुम फ्लैश काटते वक्त एक ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड भी अगर तुम शेड करोगे तो तुम्हारा जितना भी प्रॉपर्टी है, लैंड्स, गुड्स, ठीक है, वो सब कुछ कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, वो सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा. ग्रेशियानो बोलता है, ओ अपराइट जज, मार्क यू लर्नेड जज. अभी ग्रेशियानो का वक्त आ गया कि ऐसे करके बोलने का, इंसल्ट करने का, कि ए देखो ओ अपराइट जज, लर्नेड जज, तुम तो बोल रहे थे ना शैलक, ये देखो लर्नेड जज है ये. शैलक बोलता है, इज दैट द लॉ? शैलक बोलता है कि क्या ये लॉ है? पोर्शिया बोलती है, थाइसेल्फ शैल सी द एक्ट, फॉर एज थाउ अर्जेस्ट जस्टिस, बी अश्योर्ड थाउ शैल हैव जस्टिस मोर देन थाउ डिजायरेस्ट. तो पोर्शिया बोलती है कि तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, ठीक है, तुमको तो देखना है, प्रूफ चाहिए कि ये लॉ है कि नहीं, ये लो, तुम खुद ये एक्ट को देख लो, लिखा हुआ लॉ को देख लो, ठीक है, तुमको तो जस्टिस चाहिए ना, बी अश्योर तुमको जस्टिस से ज्यादा ही मिलेगा, तुमको जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मिलेगा. ग्रेशियानो बोलता है, ओ लर्नेड जज, मार्क यू आर लर्नेड जज. ग्रेशियानो बार बार करके बोलते रहता है, वो इंसल्ट करता है. शैलक बोलता है, आई टेक दिस ऑफर देन, पे द बॉन्ड थ्राइस एंड लेट द क्रिश्चियन गो. तो शैलक बोलता है कि ठीक है, तुम तीन गुना दे दो और क्रिश्चियन को जाने दो. पैसा नहीं बोलता है, हियर इज द मनी, पोर्शिया एज बेल्थसर, सॉफ्ट द ज्यू शैल हैव ऑल जस्टिस, सॉफ्ट नो हेस्ट, ही शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी. तो पोर्शिया बोलते कि नहीं रुको, उसको तो जस्टिस चाहिए था ना, जल्दबाजी मत करो, उसको सिर्फ पेनल्टी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा. ग्रेशियानो बोलता है, ओ ज्यू एन अपराइट जज, अ लर्नेड जज. ठीक है, ग्रेशियानो तो बार बार सिर्फ ऐसे करके उसको इंसल्ट किया जा रहा है, शैलक को मॉक किया जा रहा है. ठीक है, पोर्शिया बोलती है, देयरफॉर प्रिपेयर थी टू कट ऑफ द फ्लैश, शेड थाउ नो ब्लड, नॉर कट थाउ लेस नॉर मोर, बट जस्ट अ पाउंड ऑफ फ्लैश. इफ थाउ टेकेस्ट मोर और लेस देन जस्ट अ पाउंड, बी इट बट सो मच एज मेक्स इट लाइट और हैवी इन सब्सटेंस, और द डिविजन ऑफ द 20th part of one poor scruple. Nay, if the scale do turn but in the estimation of a hair, thou diest, and all thy goods are confiscated. तो पोर्शिया जो है बोलती है उसको तो छोड़ेगी नहीं एकदम, बोलती कि तुम काटो ना फ्लैश, ठीक है, बट रिमेंबर नॉट टू शेड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड. और सिर्फ यही नहीं, बॉन्ड में लिखा हुआ है कि जस्ट अ पाउंड ऑफ फ्लैश, ठीक है, जस्ट वन पाउंड ऑफ फ्लैश, तो तुम वन पाउंड ही काटो, ठीक है, नो इश्यू, यू चॉप ऑफ वन पाउंड ऑफ फ्लैश, लेकिन एक पाउंड से एक बूंद भी अगर ज्यादा हुआ, एक हेयर का भी अगर 19-20 हुआ, एक ग्राम, एक हेयर का वजन का भी अगर 19-20 हुआ, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी जो है वो सब कुछ सीज कर लिया जाएगा, वो सब कुछ वेनिस के पास आ जाएगा, और तुम उसके साथ साथ तुमको मार दिया जाएगा, और तुम्हारा जो भी गुड्स है वो सब वेनिस ले लेगा. ग्रेशियानो बोलता है, अ सेकंड डैनियल, अ डैनियल ज्यू. तो ग्रेशियानो अभी मजाक उड़ा रहा है कि देखो सेकंड डैनियल है, सेकंड है, तो बोल रहा था ना शैलक, देखो सेकंड डैनियल है, ठीक है, नाउ इनफिडल आई हैव यू ऑन द हिप. ठीक है, तो बोलता है कि आप देखो इनफिडल, अब तुम हमारे पकड़ में आए हो, ठीक है, इतना देर से तुम दे रहे थे, अभी हम लोग लेंगे. पोर्शिया बोलती है, बेल्थसार, व्हाई डज द ज्यू पॉज, टेक थाई फॉरफीचर, शैलक, गिव मी माय प्रिंसिपल एंड लेट मी गो. तो शैलक तो फंस गया, शैलक बोलता है कि नहीं, मुझे प्रिंसिपल पे अमाउंट दे दो, लेट जाने दो मुझे. बैसानिया बोलता है, हियर आई हैव इट रेडी फॉर दी, हियर इट इज. बैसानिया बोलता है कि ये लो पैसा, लो. ठीक है, पोर्शिया बोलती है, ही हैड रिफ्यूज्ड इट इन द ओपन कोर्ट, ही शैल हैव मियरली जस्टिस एंड हिज बॉन्ड. तो पोर्शिया बोलती है कि नहीं, उसको वो भी नहीं मिलेगा, तो सबके कोर्ट भरे कोर्ट के सामने वो तो रिफ्यूज किया था ना, बोला था ना कि मैं सिर्फ बॉन्ड ही लूंगा, तो उसको बॉन्ड ही मिलेगा, इसको उसके अलावा उसको और कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है, तो बोलता है कि यू डू इट, तुम एक पाउंड ऑफ फ्लैश काटो, तुम एक पाउंड ऑफ फ्लैश लो, तुमको इससे अलावा कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है, यू कट अ पाउंड ऑफ फ्लैश. ठीक है, तो सबके सामने पूरे भरे कोर्ट के सामने मना किया था कि लेना है उसको पैसा. बोलता है,
Daniel still say I, a second Daniel. I thank the Jew for teaching me that word. तो क्रिएशन को तो मजा आ रहा है, बोलता है कि देखो डैनियल है, I thank you Jew, तुमने मेरे को ये वर्ड सिखाया ना, I thank you, तुमने मेरे को ये अच्छा वर्ड सिखाया। शैलब बोलता है, Shall I not have barely my principal? तो बोलता है कि क्या मुझे अपना principal amount भी नहीं मिलने वाला है क्या? पोर्शिया बोलती है, Thou shalt have nothing but the forfeiture to be so taken at thy peril Jew. तो बोलती है कि तुमको सिर्फ तुम्हारा principal amount मिलेगा, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तुमको तुम्हारा सिर्फ फोर फीचर मिलेगा, प्रिंसिपल भी नहीं मिलेगा, तुमको सिर्फ तुम्हारा फोर फीचर मिलेगा, और तुम वो लेने भी जाओ ना तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही बैंड बजने वाला है, तुम्हारा ही पेरिल होगा, तुम्हारा ही सत्यानाश होगा। शैलब बोलता है, व्हाई देन द डेविल गिव हिम गुड ऑफ इट? तो वो शैलब बोलता है कि तुम भाड़ में गया मेरा पैसा, भाड़ में गया एंटोनियो, ठीक है मैं यहां से जाता हूं, आई विल स्टे नो लॉन्गर क्वेश्चन, ही बिगिंस टू एग्जिट। तो वहां से जाने के लिए रेडी होता है, वो जानता है कि वो तो पूरा फंस गया, वो हार गया, ठीक है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से जाना चाह रहा है। पोर्शिया तभी भी उसको रोक लेती, पोर्शिया, सॉरी ज्यू, द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू, इट इज एनएक्टेड इन द लॉज ऑफ वेनिस, इफ इट बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन एलियन दैट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटेम्प्ट्स ही सीक्स द लाइफ ऑफ एनी सिटीजन, द पार्टी अगेंस्ट द विच ही डथ कंट्राइव शैल सीज वन हाफ ऑफ हिज गुड्स। तो पोर्शिया बोलती कि रुक जाओ, लॉ के अकॉर्डिंग टू द लॉ तुम्हारे ऊपर एक और होल्ड है, ठीक है। वो बोलती है कि वेनिस के लॉ में ये लिखा हुआ है कि चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, अगर कोई इंसान, अगर कोई एलियन, एलियन मतलब कोई फॉरेनर, अगर वेनिस के किसी सिटीजन के ऊपर उसको मारने का कोशिश करता है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो जो इंसान के खिलाफ वो कुछ प्लान करता है, जिसको मारने का वो कोशिश कर रहा है, उसके पास शाइलॉक का आधा प्रॉपर्टी वो चला जाएगा, ठीक है, मतलब एंटोनियो जो है शाइलॉक का हाफ प्रॉपर्टी ले लेगा। द अदर हाफ कम्स टू द प्राइवेट कॉफर ऑफ द स्टेट एंड द ऑफेंडर्स लाइफ लाइज इन द मर्सी ऑफ द ड्यूक्स ओनली अगेंस्ट ऑल अदर वॉइसेस, अदर वॉइस। तो बोलती है कि वन हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी वो तो एंटोनियो ले लेगा, और तुम्हारा प्रॉपर्टी का जो दूसरा हाफ है वो स्टेट के पास आ जाए, वो इट कम्स टू द प्राइवेट कॉफर ऑफ द स्टेट, ठीक है, और जो ऑफेंडर जो है उसका जान जो है वो ड्यूक के हाथ में रहेगा अगेंस्ट ऑल अदर वॉइस। अभी ड्यूक जो है वो डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। फॉर विच प्रेडिकमेंट आई से दाउ स्टैंडेस्ट, फॉर इट अपियर्स बाय मैनिफेस्ट प्रोसीडिंग दैट इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू दाउ हैज कॉन्ट्राइव्ड अगेंस्ट द वेरी लाइफ ऑफ द डिफेंडेंट एंड दाउ हैज इनकर्ड द डेंजर फॉर्मरली बाय मी रिहर्स्ड। तो बोलती है कि इसलिए मैं तुमको बोल दूँ शायद तुम यहीं पे रहो, ठीक है, प्रोसीडिंग के दौरान हम लोग देख लिए हैं कि तुम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली तुम एंटोनियो का जान लेने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है, एंड जिसके वजह से जो लॉ मैंने तुमको बोला था उसके अंडर तुम आ जाते हो, तुम्हारे खिलाफ ये केस होना चाहिए होगा। Therefore and beg mercy of the duke, ठीक है, तो बोलती है कि अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा जिंदगी जो है वो ड्यूक के पास में है, ड्यूक तुमको छोड़ेगा कि रखेगा, बचाएगा कि तुमको फांसी पे चढ़ा देगा, दैट इज एंटायरली अप टू द ड्यूक, तुम्हारा प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड करके स्टेट और एंटोनियो के पास आ जाएगा, ठीक है, इसलिए तुम घुटने टेको और माफी मांगो, ठीक है। वो तो इतना देर तक तो मर्सी मर्सी बोली थी ना कि शाइलॉक मान लो, शाइलॉक मान लो, वो नहीं माना, अब देखो उसके साथ क्या हो रहा। इतना तक क्लियर है सबको? इतना तक क्लियर है जो लोग ऑनलाइन? हाँ सर, हाँ सर, संजय, हाँ सर, क्लियर, शिवम, हर्षित, पार्थ, सम्राट, क्लियर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, ग्रेशियानो बोलता है, Beg that thou mayst have leave to hang thyself, and yet thy wealth being forfeit to the state, thou hast not left the value of a cord, therefore thou must be hanged at the state's charge. तो ग्रेशियानो बोलता है कि भीख मांगो अभी, ठीक है, भीख मांगो, आस्क फॉरगिवनेस, आस्क टू बी रिलीज्ड बाय द कोर्ट फ्रॉम द ड्यूक, ताकि तुम घर भी जा सको, घर जाके शर्म के मारे फांसी चढ़ जाना, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तुम्हारा जितना भी पैसा है सब स्टेट के पास आ चुका है, तुम तो गरीब हो, इसलिए तुमको अगर फांसी भी चढ़ना है तो वो भी स्टेट का पैसा से ही तुमको फांसी लगाया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा तो है नहीं। ड्यूक बोलता है,
that thou shalt see the difference of our spirit. I pardon thee thy life before thou ask it. तो ड्यूक बोलता है कि ताकि तुम देख सको कि हम लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक क्रिश्चियन और एक ज्यू के बीच क्या डिफरेंस है, तुम्हारे मांगने से पहले हम तुमको माफ कर देते हैं. For half thy wealth it is Antonio's, the other half comes to the general state, which humbleness may drive unto a fine. तो ड्यूक जो है वो बोलता है कि एंटोनियो तुम्हारा हाफ वेल्थ जो है वो सीज कर लेगा और दूसरा हाफ जो है वो स्टेट के पास आएगा, लेकिन स्टेट जो है वो क्योंकि उसको स्टेट को ये सब नहीं चाहिए, थोड़ा सा फाइन काट के तुमसे तुमको तुम्हारा बाकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा. मतलब इन द सेंस कि सोचो, जस्ट इमेजिन एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 rupees अगर है शाइलॉक के पास तो एक होगा 50-50 करके डिवाइड हो जाएगा, 50 हो जाएगा स्टेट का, 50 हो जाएगा एंटोनियो का. लेकिन स्टेट का जो है वो बोल रहा है कि हम 2 rupees काट के फाइन ले लेंगे, बाकी 48 rupees जो है वो शाइलॉक को वापस कर देंगे. ठीक है, एंटोनियो के पास तुम्हारा 50% प्रॉपर्टी अभी भी आ जाएगा. ठीक है, पोर्शिया बोलती है आई फॉर द स्टेट नॉट फॉर एंटोनियो. तो पोर्शिया बोलती है कि हाँ, वो स्टेट अपने हिस्सा का वो कर सकता है, फाइन लेके छोड़ दे सकता है, एंटोनियो का हिस्सा का नहीं कर सकता है. शाइलॉक बोलता है ने टेक माई लाइफ एंड ऑल, पार्डन ऑफ दैट. You take my house when you do take the prop that doth sustain my house. You take my life when you do take the means whereby I live. So Shaila bolta hai, kare mera jaan ko kyu chhod rahe ho, mera jaan bhi le lo. Theek hai, do not pardon that. Ye tu mera ghar var sab kuch le rahe ho, paisa property sab kuch le rahe ho. Theek hai, to tu mera jaan ko kyu chhod rahe ho, mera jaan bhi le lo. Theek hai, zinda reh ke fayda kya hoga, पैसा धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी ये सब को लेके तो मैं जिंदा हूं, अगर यही नहीं रहेगा तो मैं जिंदा रह के मेरा फायदा ही क्या है. यू टेक इट ऑल, एकदम पूरा पूरी ले लो. एक मिनट प्लीज. चलिए, तो शाइलॉक तो पूरा एकदम गंदी तरीके से फंस चुका है. ठीक है, वो बोलता है कि मेरे को भी मार दो. पोर्शिया तब बोलती है व्हाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम एंटोनियो. तो अब शाइलॉक जो है वो तो मर्सी तो नहीं दिखाया था, अभी पोर्शिया जो है वो कटे पे नमक छिड़क रही है. ठीक है, वो एंटोनियो से बोलती है कि एंटोनियो तुम इसको क्या मर्सी दिखा सकते हो बोलो. एंटोनियो बोलता है, सॉरी ग्रेशियानो बोलता है, अल्टर ग्रेटिस नथिंग एल्स फॉर गॉड्स सेक. ठीक है, तो बोलता है कि इसे सिर्फ फांसी का फंदा दो, इसके अलावा और कुछ मत दो इसको. एंटोनियो बोलता है सो प्लीज माई लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट टू क्विट द फाइन फॉर वन हाफ ऑफ हिज गुड. आई एम कंटेंट सो ही विल लेट मी हैव द अदर हाफ इन यूज to render it upon his death unto the gentleman that lately stole his daughter. तो बोलता है कि Duke ने और court ने तो half property तो लौटा दिया, दूसरा half जो Shylock का property जो मेरे पास आएगा मैं उसे use करूँगा, और जब Shylock मर जाएगा मैं उसका property उसकी बेटी को और उसके दामाद को, ठीक है, मैं return कर दूँगा, Lorenzo और Jessica के नाम कर दूँगा, basically वो बोलता है. Two things provided more, that for this favor he presently become a Christian. The other that he do record a gift here in court of all he dies possessed unto his son Lorenzo and his daughter. तो बोलता है कि इसके साथ उसको दो ठो और करना पड़ेगा, दो ठो और conditions fulfill करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे favor दिखा रहे हैं. ठीक है, उसको Christian बनना पड़ेगा पहला, और दूसरा कि उसके पास जितना भी property है जब वो मरेगा वो Lorenzo और उसकी बेटी के नाम पे वो करके जाएगा, जितना भी property है वो उन दोनों के नाम पे करके जाएगा. तो एंटोनियो जो है वो जेसिका और लोरेंजो के बारे में भी सोचकर उनका फ्यूचर भी एक तरीके से सिक्योर कर ले रहा है. ठीक है सर, एक बार सारे कंडीशंस बोल देंगे वापस. कंडीशन है कि ओरिजिनल पोर्शिया क्या बोली थी कि शाइलॉक का जो प्रॉपर्टी जो है वो 50-50 करके डिवाइड हो जाएगा, 50% स्टेट के पास जाएगा, 50% एंटोनियो के पास आएगा. ड्यूक ने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा था, स्टेट के पास आ रहा था, उससे एक थोड़ा सा फाइन लेके बाकी प्रॉपर्टी तो शाइलॉक को वापस कर देंगे. एंटोनियो बोलता है कि जो प्रॉपर्टी मेरे पास आ रहा है, जो प्रॉपर्टी 50% ऑफ द प्रॉपर्टी शाइलॉक का मेरे पास आ रहा है, मैं उसे यूज करूंगा. ठीक है, और जब शाइलॉक मरेगा मैं उसका पूरा प्रॉपर्टी जो है जेसिका और लोरेंजो के नाम में कर दूंगा. ठीक है, इसके साथ साथ वो बोलता है कि शाइलॉक को क्रिश्चियन बनना पड़ेगा. ठीक है, शाइलॉक को क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसको जितना भी उसके पास जो बाचा कुचा प्रॉपर्टी जो भी कुछ है
अपने मरते दम मर जब मरेगा सब अपने बेटा और बेटी के नाम पे वो करके जाएगा, ठीक, लोरेंजो और जेसिका के नाम पे करके जाएगा। क्लियर है शिवम? तो कोर्ट के पास कुछ नहीं जाएगा या फिर वो स्टेट के पास? स्टेट के पास कुछ नहीं जाएगा, स्टेट जो है वो अपना जो प्रॉपर्टी जो मिल रहा था स्टेट को वो उसका सिर्फ एक छोटा सा फाइन लेके वो शायलो को वापस दे दे रहा था, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली सब प्रॉपर्टी जो है वो सब कुछ जेसिका और लोरेंजो को ही इवेंचुअली इन द फ्यूचर मिल जाएगा जब शाइलॉक मरेगा। क्लियर है? हाँ सर। सर बट अभी तो वो सारा प्रॉपर्टी शाइलोक के पास ही रहेगा ना? नहीं, एंटोनियो के पास शाइलॉक का 50% प्रॉपर्टी आ चुका है, और एंटोनियो बोल रहा है कि मैं वो प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, उसका वेल्थ को यूज करके जब शाइलॉक मरेगा मैं अपना वो प्रॉपर्टी जो है, जो शाइलॉक का हिस्सा जो मेरे पास है, मैं शाइलॉक के मरने के बाद मैं जेसिका लोरेंजो के नाम के कर दूंगा। समझ में आया? हाँ सर। ड्यूक बोलता है, ही शेल डू दिस और एल्स आई डू रिकेंट द पार्डन दैट आई लेट प्रोनाउंस्ड हियर। देखो ड्यूक बोलता है कि उसको ये करना पड़ेगा, वरना मैं जो पार्डन सुनाया हूं मैं उसको वापस ले लूंगा, मैं जो इसको माफ किया हूं मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, उसको वरना फांसी पे चढ़ा दूंगा। तो देखो शाइलॉक तो एकदम खत्म हो गया, पैसा भी नहीं मिला, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिला, बदला भी नहीं मिला, उसकी बेटी छोड़ के भाग गई, हर एंगल से शाइलॉक पूरा तबाह हो गया। प्लस इंसल्ट के हिसाब से उसको क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पोर्शिया बोलती है, आर दाउ कंटेंटेड ज्यू, व्हाट डस दाउ से। तो पोर्शिया बोलती है, खुश हो ना आप, क्या बोलो, क्या बोलते हो? आई एम कंटेंट। तो शाइलॉक तो सर झुक के बोला कि आई एम कंटेंट, क्या ही बोल सकता है वो। पोर्शिया बोलती है, क्लर्क ड्रॉ डीड ऑफ गिफ्ट। शाइलॉक बोलता है, आई प्रे यू गिव मी लीव टू गो फ्रॉम हेंस, आई एम नॉट वेल, सेंड द डीड आफ्टर मी एंड आई विल साइन इट। तो शाइलॉक बोलता है कि पोर्शिया बोलती है कि क्लर्क एक डीड ऑफ गिफ्ट तुम लिख लो, ठीक है। शाइलॉक बोलता है कि तुम मेरे को वो घर में भेज दो, हम साइन कर देंगे, हमको अच्छा ही लग रहा है, तुम भेज दो घर में, हम साइन कर देंगे। ड्यूक बोलता है, गेट दी कॉन बट डू इट। तो ड्यूक बोलता है कि जाओ लेकिन साइन कर देना। रिएक्शन तो इंसल्ट करता, और ठीक है, इन क्रिश्चनिंग शाल दा हैव टू गॉड फादर्स, हैड आई बीन जज दा शुडस्ट हैव 10 मोर टू ब्रिंग दी टू द गैलोज नॉट टू द फंट। तो ग्रैशन में बोलता है कि तुम्हारा जब क्रिश्चियनिंग होगा ना तुमको दो गॉडफादर मिलेगा, लेकिन अगर मैं जज अगर होता तो तुमको दो जन गॉडफादर नहीं 12 जन को मिल देता, ठीक है, तुमको गैलोज ले जाने के लिए जहां पे तुमको फांसी लगेगा। मैं तुमको फंट के, फंट मतलब होता है बेसिकली चर्च का जो सामने वाला हिस्सा होता है ना जहां पे प्रीस्ट खड़ा होकर पूजा करता है, ठीक है, प्रेयर करता है, वो होता है फंट, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो गॉडफादर लोग होते हैं वो बच्चा को लेके आते हैं पेरेंट्स के साथ, वो लोग वहां पे सामने खड़े होके जीसस क्राइस्ट के मूर्ति के सामने वो लोग क्रिश्चनिंग होता है, लेकिन जब गैलोज में जाते हैं तो 10-12 जन उसको घेर के वो फांसी के वहां पे लेके जाते हैं टू बी विटनेस, ठीक है। तो वही बोलता है कि अगर मैं जज होता तो तुमको फांसी ही लगवाता, तुमको नामकरण करने के लिए, क्रिश्चनिंग करने के लिए मैं तुमको नहीं देता। शाइलॉक एग्जिट, शाइलॉक वहां से चला जाता है। देखो लास्ट लाफ भी ग्रैशियनो का ही है, ग्रैशियनो ही लास्ट इंसल्ट करके ही हो रहा। ड्यूक बोलता है टू पोर्शिया, सर आई एंट्रीट यू होम विथ मी टू डिनर। पोर्शिया, आई हम्बली डू डिजायर योर ग्रेस ऑफ पार्डन, आई मस्ट अवे दिस नाइट टूवर्ड्स पैडुआ एंड इट इज मीट आई प्रेजेंटली सेट फोर्थ। तो पोर्शिया बोलती है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जाना है, ठीक है, मुझे इमिडिएटली आज ही पैडुआ की तरफ जाना है, ठीक है, और मुझे अभी का भी निकलना है। ड्यूक बोलता है, आई एम सॉरी दैट योर लेजर सर्व्स यू नॉट एंटोनियो, ग्रेटिफाई दिस जेंटलमैन फॉर इन माई माइंड यू आर मच बाउंड टू हिम। तो ड्यूक बोलता है कि मुझे दुख है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि आके थोड़ा खाना खाने के लिए, ठीक है। तो एंटोनियो को बोलता है कि एंटोनियो इसको थोड़ा देख लेना, ख्याल रख लेना, ठीक है, ये तुम्हारा जान बचा है, यू आर मच बाउंड टू हिम। द ड्यूक एंड हिज ट्रेन एग्जिट, तो वो लोग सब वहां से चले जाते हैं। अच्छा, तो ड्यूक जो है वो चला जाता है वहां से, पैसानियो जो है वो पोर्शिया को बोलता है, पोर्शिया तो बैल्थाज़ार वो तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। मोस्ट वर्दी जेंटलमैन,
I and my friend have, by your wisdom, been this day acquitted of grievous penalties. In lieu whereof, 3,000 ducats due unto the Jew, we freely cope to your courteous pains withal. So Bassanio जो है बोलता है कि मैं और मेरे दोस्त जो है आपके वजह से we have been set free, we have been saved of grievous perils. ठीक है, हम लोगों के खिलाफ जो केस लगा था आपके वजह से हम लोग बच गए. तो जो 3,000 ducats हम लोगों को ज्यू को देना था वो हम आप लोगों को देते as fee. ठीक है, आपके परेशानी उठा, आप ये परेशानी उठाए उसके लिए रिवॉर्ड के हिसाब से ले लीजिए. एंटोनियो बोलता है एंड स्टैंड इंडेटेड ओवर एंड अबव इन लव एंड सर्विस टू यू एवर मोर. तो एंटोनियो बोलता है कि और सिर्फ यही नहीं, जिंदगी भर हम आपका कर्जदार रहेंगे. ठीक है, आपके फेवर में रहेंगे, आपको कोई भी चीज का दरकार होगा तो हमको याद कीजिएगा. पोर्शिया बोलती है He is well paid, that is well satisfied, and I delivering you am satisfied, and therein do account myself well paid. So Portia जो है बोलती है कि देखो जो इंसान दूसरों को मदद करने में अगर खुश होता है तो मदद करके खुश होता है, आपको बचा के मैं खुश हूं, मुझे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए. My mind was never yet more mercenary. I pray you know me when we meet again. तो बोलती है कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ. ठीक है, मर्सिनरीज लोग जो होते हैं वो लोग अपना सर्विस जो है वो पैसों के लिए देते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ. ठीक है, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले बार जब मिलेंगे हम लोग मुझे याद रखिएगा. आई विश यू वेल एंड सो आई टेक माई लीव. तो बोलती है कि मैं आपको गुड लक विश करती हूँ और वहां से चली जाती है. शी बिगिंस टू एग्जिट. बैसानियो बोलता है डियर सर ऑफ कोर्स आई मस्ट अटेम्प्ट यू फादर Take some remembrance of us as a tribute. तो पैसानियो बोलता है कि सर मुझे आपको फोर्स करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ तो ले लीजिए. Take some remembrance of us as a tribute. जो भी चाहिए आप कुछ तो ले लीजिए ताकि आप as a souvenir रखे हमको याद करिएगा. Not as a fee, grant me two things. I pray you not to deny me and to pardon. ठीक है, तो बोलता है कि आप कुछ तो ले लीजिए, एक फी के हिसाब से नहीं, गिफ्ट के हिसाब से ले लीजिए. ठीक है, आप मेरे को मना नहीं कीजिएगा, आप मेरे को ऐसे करके हम जो आपको ऐसे करके फोर्स करें उसके लिए माफ कीजिएगा. पोर्शिया बोलती है यू प्रेस मी फार एंड देयरफॉर आई विल यील्ड. तो बोलती है कि तुम तो मेरे को ऐसे बहुत ज्यादा ही प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है मैं मान लेती हूँ. गिव मी योर ग्लव्स, आई विल वेयर देम फॉर योर सेक एंड फॉर योर लव आई विल टेक दिस रिंग फ्रॉम यू. डू नॉट ड्रॉ बैक योर हैंड, आई विल टेक नो मोर. And you in love shall not deny me this. तो पोर्शिया बोलती है कि ठीक है, तो तुम अपना ग्लव दे दो. ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खातिर में इसको पहनूंगी, तुमको याद करूंगी. और बैसानियो को देख के बोलती है कि तुम मेरे को अंगूठी दे दो. ठीक है, ये कह रहे तुम हाथ पीछे क्यों हटा रहे हो. ठीक है, वो जब बोलते हैं कि अंगूठी दे दो, बैसानियो हाथ पीछे कर लेता है कि मुझे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये अंगूठी चाहिए. और तुम तो इतना मैं तुम्हारे लिए इतना क्यों, तो तुम मुझे deny नहीं करोगे. You will not deny me this. बैसानियो बोलता है This ring, good sir, alas, it is a trifle. I will not shame myself to give you this. तो बैसानियो बोलता है कि सर ये रिंग ये तो मामूली सा रिंग है, ये देख के आपको मैं शर्मिंदा नहीं करूंगा. पोर्शिया बोलती है I will have nothing else but only this ring. And now methinks I have a mind to it. तो पोर्शिया बोलती है कि नहीं मुझे तो यही अंगूठी चाहिए. ठीक है, मुझे इस अंगूठी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए. और मुझे देख के लगता है कि नहीं ये अंगूठी अच्छा है, मेरा ये पसंद आ गया. बसानियो बोलता है देर इज मोर डिपेंड्स ऑन दिस देन ऑन द वैल्यू द डियरेस्ट रिंग इन वेनिस आई विल गिव यू एंड फाइंड इट आउट बाय प्रोक्लेमेशन ओनली फॉर दिस आई प्रे यू पार्डन. बसानियो बोलता है कि ये रिंग सिर्फ उसका वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, आप बोलिए ना, हम आपके लिए पूरा वेनिस में जितना भी इंपॉर्टेंट रिंग है, जितना भी वैल्यूबल रिंग है हम आपको दे देंगे, लेकिन ये अंगूठी छोड़ दीजिए. ठीक है, इसका वैल्यू अलग है. पोर्शिया तब बोलती है आई सी सर यू आर लिबरल इन ऑफर्स, यू टॉट मी फर्स्ट टू बेग एंड नाउ मी थिंक्स यू टीच मी हाउ अ बेगर शुड बी आंसर्ड. तो पोर्शिया बोलती है कि अच्छा मैं समझ गई, तुम तो बड़े बड़े बात कर रहे, तो बड़े बड़े ऑफर दे रहे थे. ठीक है, तुम पहले मेरे को भीख मांगना सिखाया और उसके बाद भिखारी को जवाब कैसे दे तुम मेरे को दिखा रहे हो.
है, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक अ बेगर, तुम मेरे को पहले भीख मांगना सिखाया और उसके बाद भिखारी को कैसे करके जवाब देता है तो वो भी दिखा रहे हो हमको। बसानियो बोलता है, गुड सर दिस रिंग वॉज गिवन मी बाय माई वाइफ एंड वेन शी पुट इट ऑन शी मेड मी वाउ दैट आई शुड नाइदर सेल नॉर गिव इट नॉर लूज इट। तो बसानियो बोलता है कि नो, ये अंगूठी मेरी बीवी ने मेरे को दी है और जब मेरे को ये अंगूठी पहनाई थी शी मेड मी प्रोमिस कि मैं इसको ना ही किसी को दूंगी ना ही किसी को बेचूंगा, ठीक है, मेरे को मेरे से वादा करवाई थी। पोर्शिया बोलती है, That you serves many men to save their gifts. And if your wife be not a mad woman and know how well I deserve this ring, she would not hold out enemy forever. So Portia bolti hai ki ye excuse jo hai bahut insano ko apna gift bachane ke liye aisa help hua hai, ye bahut insaan apna gift ko bachane ke liye aisa excuse de dete hain. Khair tumhari biwi agar janti ki maine tumhare tumko aur tumhare dost ko kaise karke bachaya tha, wo tumse naraz nahi hoti, theek hai, अगर तुम्हारी बीवी पागल औरत नहीं होती तो वेल पीस बी विथ यू, तो देखिए खैर ठीक है जाने दो, ठीक है हम चलते हैं, ठीक है पीस बी विथ यू, उसको विश करके वहां से चली जाती है पोर्शिया और नेरिसा। एंटोनियो बोलता है, माय लॉर्ड बेसानियो लेट हिम हैव द रिंग। तो एंटोनियो बोलता है कि अरे उसको रिंग दे दो, ठीक है, लेट हिज डिजर्विंग्स एंड माई लव विद ऑल बी वैल्यूड अगेंस्ट Your wife's commandment. तो बोलता है कि मेरा प्यार के वजह वास्ते, ठीक है, उसने मेरा जान बचाया है, ठीक है, तुम उसके वजह से तुम उसको दे दो, ये तुम्हारी बीवी ने तुमको कमांडमेंट दिए, तुमको बोली है, तुमसे वादा करवाई है कि अंगूठी किसी को मत देने के लिए, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम उसको दे दो, ठीक है, मेरा मेरे खातिर तुम उसको दे दो। बसानियो दे देता है, ग्रैशियन को अंगूठी खोल के देता है, गो ग्रैशियन रन एंड ओवरटेक हिम, गिव हिम द रिंग एंड ब्रिंग हिम इफ यू थाउ कैनस्ट अनटू एंटोनियोस हाउस अवे मेक हेस्ट। तो ग्रैशियन को अंगूठी दे देता है, बोलता है कि जाओ बसानियो उसके पीछे पीछे जाओ और अगर हो सकता है तो ये अंगूठी उसको दे दो और हो सकता है तो उसको एंटोनियो के घर लेके आओ फटाफट, मेक अवे हेस्ट। ग्रैशियन चला जाता है, Come you and I will thither presently and in the morning early we will both fly to Belmont. Come Antonio, they exit. So Bassanio bolta hai ki chalo hum log jaake thoda sa rest kar lete hain, uske baad kal subah hum log immediately Belmont ke liye hum log ravana ho jayenge, hum log yahan se nikal jayenge. They exit. To wo log wahan se chale jaate hain. Ye ho gaya hum log ka court scene, theek hai, bahut hi zyada important scene hai, theek hai. लास्ट सीन खत्म कर लेते हैं, एक्ट फोर सीन टू, ये थोड़ा सा ही है। एक्ट फोर सीन टू, एंटर पोर्शिया एंड नेरिसा स्टिल इन डिसगाइज, पोर्शिया एंड नेरिसा अभी भी डिसगाइज पहने हुए हैं। पोर्शिया बोलती है, इंक्वायर द ज्यूज हाउस आउट, गिव हिम दिस डीड एंड लेट हिम साइन इट। शी गिव्स नेरिसा पेपर, वी विल अवे टुनाइट एंड बी अ डे बिफोर आवर हस्बैंड्स होम, दिस डीड विल बी वेलकम टू लोरेंजो। तो पोर्शिया जो है जेसिका को नेरिसा को बोलती है कि जाओ शाइलो का घर ढूंढ के आओ और उसे ये साइन करवा के लेके आओ और हम लोग आज ही रात को यहाँ से निकल जाएंगे और हम लोगों के हस्बैंड के घर पहुँचने पहले ही हम लोग घर घुस जाएंगे, ठीक है। जेसिका और लोरेंजो ये बिल को देख के, गिफ्ट को देख के, गिफ्ट ऑफ डीड को देख के वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तब ग्रैशियानो आता है, ग्रैशियानो बोलता है, पैसा यू आर वेल ओवरटेकन, My Lord Bassanio, upon more advice, has sent you here this ring and have entreated your company at dinner. So Gratiano बोलता है कि sir, आपको मैं पकड़ ही लिया finally. बोलता है कि मेरे Lord Bassanio जो है उनको advice किया गया, इसके वजह से Lord Bassanio मान लिया और ये अंगूठी आपको देने के लिए मेरे को भेजे हैं और इसके साथ साथ वो आपको dinner पे invite भी किए हैं, वो उसको अंगूठी दे देता है। Portia बोलती है, That cannot be his ring, I do accept most thankfully. And so I pray you tell him. Furthermore, I pray you show my youth old Shylock's house. So Portia to bolti hai ki nahi aisa to ho nahi sakta, dinner pe to ja nahi sakte, lekin main ye anguthi accept kar leti hu, thank you, theek hai. Le aur iske sath sath tum ek kaam karo, mere youth ko, mere servant ko, theek hai, usko dikha do, clerk ko dikha do ki Shylock ka ghar kahan pe. Ration. That will I do. To bolta hai ki haan theek hai, main wo kar lunga. Nerissa, sir, I would speak with you, aside to Portia. I'll see if I can get my husband's ring, which I did make him swear to keep forever.
है। तो नरिसा पोर्शिया को बोलती है कि सर आपसे थोड़ा सा बात करना है, तो साइड में बात करती है, बोलती है कि हम भी देखेंगे कि हमको हम भी अपने हस्बैंड से रिंग निकलवा सकते हैं या नहीं। ठीक है, मैंने भी उसको रिंग दिया था, उसे प्रॉमिस करवाया था कि ये रिंग रखना, हम देखेंगे कि हम भी उसको निकाल सकते हैं कि नहीं। पोर्शिया बोलती है, नाउ मेस्ट आई वॉरंट वी शैल हैव एन ओल स्वेरिंग इन दैट दे गिव द रिंग्स अवे टू मैन, बट वील आउट फेस देम एंड आउट स्वेर देम टू एंड अवे मेक हेस्ट दाउ नोएस्ट वेर आई विल टैरी। तो पोर्शिया बोलती है कि हाँ हाँ तुम ये करो, ठीक है, हम लोग जब घर पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा सा एक झगड़ा होगा, ठीक है, हम लोग ब्लेम करेंगे इन लोगों को कि ये लोग अपना अंगूठी किसी को दे दिए हैं, ठीक है, हम लोग इनसे जोर गला में बात करेंगे, ठीक है। तो बोलती है कि फटाफट जाओ, और तुमको तो पता ही है कि हम कहाँ पे वेट करने वाले हैं, ठीक है, तुम जाओ और फटाफट काम करके आ जाओ। तो ये बोल के पोर्शिया चली जाती है, शी एग्जिट्स। नेरिसा बोलती है ग्रैशियानो को, कम गुड सर विल यू शो मी टू टू दिस हाउस द एग्जिट। तो नेरिसा उसको बोलती है कि चलिए शैलो का घर दिखा दीजिए। ये हो गया हम लोगों का पूरा एक्ट फोर कंप्लीट। ठीक है, सबको क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया ना, जो लोग ऑनलाइन में हो अच्छे से समझ में आ गया, सब लोग प्लीज रिस्पॉन्ड, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ सर, हाँ सर, चलिए।